अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है और मजेदार से देखनी है, मतलब एसी में लेट के सुकून से ऐसे आपने देखनी है, और आपके घर में जो रहता होगा आपने उसको शेयर करवानी है वीडियो, आपने कहना ये कितनी प्यारी सी बच्ची है, सुंदर सी, ठीक है, ये आपने कहना है, और मेरी वीडियो को खुद भी लाइक करना। गाइस ये अभी चिकन का गोल्डन ब्राउन कलर आएगा ना, मैं अपने पापा को टेस्ट करवाऊंगी, वो बताएंगे या फिर अच्छा है या फिर बैड है या फिर क्यूट है। मेरे ख्याल से तो बहुत ही मजे का होगा। वाह यार, ये कहाँ से सीखती हो रेसिपी तुम? पापा ये तो बड़ी कमाल की बन गई है। मैं तो रेसिपी पूजा से बनाती हूँ। ये देखो, ये तो अस्सलाम कॉटन की तरह है। ये लो। वालेकुम मेरे चाचू और चाचियों, आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन की रेसिपी क्या है। तो अभी बहुत मजे का बनने वाला है, और अभी आपने ना एंड तक देखनी है, अगर मेरी वीडियो को 100 डिसलाइक ना होए, मैं बहुत देर बाद आई हूँ क्योंकि ना मेरे पहले एग्जाम्स हो रहे थे, तो इसलिए मैं बहुत देर बाद आई हूँ, मैं आपको मिस कर रही थी। तो गाइस हम लोग चिकन को मैरिनेट करने के लिए इस बॉल के अंदर डालेंगे। सबसे पहले का काम हमारा ये है, तो गाइस अब सेकंड पे हम सोया सॉस डालेंगे। चलो बस गाइस अब हम लोग डालेंगे चिली सॉस। ओ माय खून, मेरा खून। चलो बस 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 कर देंगे। तो गाइस अब हम लोग चिली सॉस डालने के बाद हम लोग लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च के बाद धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के बाद थोड़ी सी हल्दी, हाजमा अच्छा करने के लिए अब थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन के बाद थोड़ा सा चाट मसाला, हसबे जायका नमक, थोड़ा सा तिक्का मसाला, लहसुन पाउडर डालने के बाद हम इसको मैरिनेट कर देंगे। गाइस अब इसको अच्छी तरह हम मैरिनेट करेंगे। गाइस ये देखिए कितने अच्छे से मैरिनेट हो रहा है। मैं पाकिस्तान की गाय सबसे छोटी शेफ हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें मेरी वीडियोस, और उनके उनसे ना 100 लाइक भी करवाया करें। अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है और मजेदार से देखनी है, मतलब एसी में लेट के सुकून से ऐसे आपने देखनी है, और आपके घर में जो रहता होगा आपने उसको शेयर करवानी है वीडियो, आपने कहना ये कितनी प्यारी सी बच्ची है, सुंदर सी, ठीक है, ये आपने कहना है, और मेरी वीडियो को खुद भी लाइक करना। तो गाइस ये देखिए अब मैंने मैरिनेट कर लिया, अब इसको ना हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। तो गाइस ये देखें कितने अच्छे से चिकन मैरिनेट हो गया है, और तो और इसको आधा घंटा भी हो गया है। पापा आगे लाएं कैमरा, फ्राई पैन के नीचे हमने आग भी चला दी और ये इसके अंदर ऑयल गरम हो रहा है। तो गाइस अब हम चिकन को क्रिस्पी करने के लिए चिकन की कोटिंग करेंगे, और इसके बाद ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा खाएंगे। हम बोटी को क्रिस्पी करने के लिए पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद मैदे में अच्छे से मैदा लगा देंगे ताकि हमें बहुत ज्यादा क्रिस्पी लगे। अगर आप इस तरह अच्छे से मैदा लगाएंगे ना, तो आप ये मेरी रेसिपी मेरे हाथों वाली यूज करेंगे, आपके घर वालों को बहुत मजे का लगेगा, वो कहेंगे फौरन इस वीडियो को लाइक करो, इंशाल्लाह कहेंगे जरूर। डबल क्रिस्पी करने के लिए ना हम इसके अंदर पहले दोबारा से अंडा डालेंगे, मतलब मिक्स करेंगे, और उसके बाद मैदा मैदा मिक्स करेंगे डबल क्रिस्पी। इसके इसी तरह हम सारे चिकन को डबल कोटिंग कर लेंगे।
तो अभी ये तैयार होने वाला है इस फ्राई पैन में। चलो देखते हैं कैसे लगेगा। आपके घर वालों को तो बहुत ही मजा लगेगा, और ऐसे में आपने उनको बिठा के खिलाना है ताकि उनको स्वाद आ जाए। आ हा। चलो दोबारा से यही करेंगे। तो गाइस अब हम ना इसको डीप फ्राई करेंगे जल्दी से। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है फ्राई करने में। गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर देना 100 वाले, ठीक है गाइस? ये लाजमी करना आपने, नहीं तो मैंने नाराज हो जाना मेरी वीडियो अगर लाइक ना हुई। गाइस ये हल्की आंच पे डीप फ्राई हो रहा है, और गाइस अब इस चिकन के ऊपर कवर दे देंगे। कवर देने का फायदा ये होगा कि ना चिकन थोड़ा सा जूसी बन जाएगा और खाने में तो बहुत क्रिस्पी। चिकन को कवर हुए 5 मिनट हो गए हैं, और अभी मैं आपको उतार के दिखाती हूँ क्या लुक हुई है इसकी अभी। वाह इतना प्यारा बन गया। आप भी ऐसे ट्राई करना, बहुत प्यारा बनेगा, आपके घर वालों को इतना अच्छा लगेगा, वो कहेंगे मेरे लिए और बना कर खाते रह जाएंगे। इस रेसिपी से आपने यूज करना है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ये अभी चिकन का गोल्डन ब्राउन कलर आएगा ना, मैं अपने पापा को टेस्ट करवाऊंगी, वो बताएंगे या फिर अच्छा है या फिर बैड है या फिर क्यूट है। मेरे ख्याल से तो बहुत ही मजे का होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनी शेख, और ये है जनाब मेरी प्यारी बेटी फजर शहरयार। और इसका टैलेंट ये है जनाब कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से ये पाकिस्तान की सबसे छोटी शेफ़ है। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसके चैनल को काइंडली शेयर करें, इस वीडियोस को जितने अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं काइंडली इसको आप प्रमोट करें, ताकि ये एक हिडन टैलेंट है और जो है ना ये आगे इसकी तरक्की हो सके और मज़ीद इसको अल्लाह पाक जो है ना अपने फजलो करम में रखे। अभी जनाब ये इसने ये बड़ी शानदार ये क्रिस्पी चिकन जो है ना ये बनाया है। अभी रेसिपी आपने देखी है और ये देखें ये इंतहाई शानदार है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी ये किस कदर क्रिस्पी है। और जनाब ये देखें अंदर तक ये बिल्कुल जूसी है, ये अंदर तक टोटली जो है ना मेल्ट हुआ हुआ है। ये ऊपर ये इसका क्रिस्प है, पहले तो ये जनाब खाली इसका क्रिस्प चेक करते हैं ये कैसा है। अच्छा पापा थैंक आपका दूं, ये खाली इसका क्रिस्प चेक करो, ये देखो कितना अच्छा है, मजेगा ना, है ना जनाब। यहाँ पे ये इमली की चटनी है, ये मेरी वाइफ ने बनाई हुई है, तो ये अभी उसके साथ जरा ट्राई कर रहे हैं। वाह यार ये कहाँ से सीखती हो रेसिपी तुम? पापा ये तो बड़ी कमाल की बन गई है। मैं तो रेसिपी फूल जैसे बनाती हूँ। ये देखो ये तो कॉटन की तरह है। ये लो तो ये जनाब अब एक बाइट केचप के साथ। क्या बात, तो जब बिल्कुल कॉटन लग रही है ये, बिल्कुल रोई की तरह ना, बड़ा सॉफ्ट सा बना है। लेकिन जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो जनाब इस वीडियो को काइंडली आप शेयर करें, और जो है ये पाकिस्तान की सबसे छोटी शेफ है, इस चीज़ को आपने नहीं भूलना। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट किसी अच्छी सी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।